काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि सर गेहूं का रोटी खा सकते हैं क्या? आप गेहूं का रोटी भी खा के हमें दिखाइए कि आपकी शुगर लेवल बढ़ती है नहीं बढ़ती है, कितना शुगर लेवल आता है, क्या हमें गेहूं का रोटी खाना चाहिए? सर गेहूं में ग्लूटेन होता है, सर गेहूं GMO है, ऐसे तरह तरह के सवाल आता है। तो जी हाँ दोस्तों, गेहूं में ग्लूटेन होता है। और ये देखिए गेहूं का रोटी है, आज मैंने 2 गेहूं का रोटी लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने घी लगाया हुआ है, ये देखिए इसमें मैंने घी लगाया हुआ है। तो 2 गेहूं का रोटी लिया है, इसमें घी लगाया है, और इसमें देखिए प्लेट कैसे हमने सजाया है, एक पूरी प्लेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काला चना है, ठीक है, काला चना का एक सब्जी हमने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकोली और पनीर का एक सब्जी है, ब्रोकोली और पनीर का सब्जी है, और एक और मिक्स्ड वेज है। मिक्स्ड वेज में आपको बीन्स दिखाई देंगे, इसमें प्याज है और इसमें गाजर है, ठीक है, तो ये मिक्स्ड वेज है। और एक कटोरा खीरा, ये मैंने खीरा लिया है। तो आज का मेरा ये सेकेंड मील है, मैं एक मील ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड मील है और इसको अभी हम खाएंगे, आपके सामने खाएंगे, और फिर 2 घंटे बाद देखेंगे कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है। गेहूं का रोटी है ये, 40 रुपये किलो मिलता है ये, ठीक है। हम सब गेहूं का रोटी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है 500 रुपये का आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलेट्स भी जो है वो भी बहुत महंगा आता है। तो आपको गेहूं का रोटी छोड़ना नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गेहूं का रोटी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिफाई करके। आपने देखा कि मैंने 2 ही रोटी लिया है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जब आप एक्सेस कुछ भी खाते हैं। अगर ये 4 रोटी में खाता तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम होता। मैंने 2 ही खाया है, और इसको प्लेट कैसे सजाना है ये आपको देखना जरूरी है। इसमें मैंने घी मिलाया, हेल्दी फैट मिलेगा, पनीर में हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, चना में प्रोटीन मिल जाएगा, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सब्जी में फाइबर मिलेगा, ब्रोकोली में फाइबर मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, और ये खीरा भी है। तो आपको पहले खीरा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाने के साथ कच्चा खीरा खा सकते हैं, कच्चा सब्जी खा सकते हैं खाने के साथ, पहले खाना ज़रूरी नहीं है, बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, जितनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना मुश्किल होगा आपके लिए। और ये प्योर वेज थाली है। बहुत लोग बार बार बोलते हैं कि सर वेज का भी बताइए, वेज का बताइए, आप तो सिर्फ नॉन वेज वाले के लिए ही बताते हैं। ऐसा नहीं है, प्योर वेज थाली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग आप लोग को डेयरी प्रोडक्ट भी मना कर देते हैं। तो आप डेयरी प्रोडक्ट जब मना कर देंगे तो आप पनीर भी नहीं खा सकते, यही प्रॉब्लम है। और अगर उन बुद्धिजीवी लोगों का थ्योरी सच में सही होता तो ऐसे हजारों लाखों लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उन सबको डायबिटीज़ होता, सबको डायबिटीज़ होता। गांव में चले जाइए, दूध मक्खन दही पनीर सब भर के खाते हैं, लेकिन कभी भी उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दूध पनीर छाछ दही लस्सी पनीर मक्खन चीज़ या फिर चिकन मटन फिश अंडा, इससे डायबिटीज़ नहीं होता है मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो आज इस दुनिया में जितने लोग गांव में रहते हैं सबको डायबिटीज़ हो जाता। डायबिटीज़ क्यों होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कॉज, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत टेस्टी, आपके डाइट में जब भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होगा आपको डायबिटीज होगा, या फिर आप एक सीडेंट्री लाइफ जी रहे
आपको डायबिटीज़ होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आपको डायबिटीज़ होगा, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है आपको डायबिटीज़ होगा। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा डायबिटीज़ ना हो, और साथ ही साथ अगर डायबिटीज़ है तो रिवर्स करना है तो भी एक होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, जब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा गले से उतरेगा नहीं। तो पानी आप तब पीजिए जब आपको प्यास लगता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों चीज ऑप्टिमम में होना चाहिए। ये जो भी है डायफिट डाइट के अंदर है। डायफिट डाइट में आप 26% ऑफ योर कैलोरीज आप कार्ब से लेते हैं, 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेते हैं, रिमेनिंग जो कैलोरीज है वो आप लेते हैं हेल्दी फैट से। और ये मैं इस प्लेट की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है जो आप बता रहे हैं क्या हर मील में ऐसा होना चाहिए। नहीं, हर मील में नहीं, हर मील में आप नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत 19-20 कम बेसी होता है। तो आपको पूरे दिन की मैं बताता हूँ। ये इसको बोलते हैं बैलेंस प्लेट, इसको बोलते हैं डायफिट डाइट प्लेट। तो दोस्तों मैंने खा लिया है आज, आपने देखा कि मैंने 2 गेहूं का रोटी खाया। कैसे गेहूं का रोटी खाना चाहिए वो आपको बताया है, और गेहूं का रोटी से घबराना नहीं है, उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है। जब तक आपको सीलिएक डिजीज़ नहीं है, ग्लूटेन की एलर्जी नहीं है, ग्लूटेन इनटॉलरेंट नहीं है, तब तक आपको ग्लूटेन से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सीलिएक डिजीज़ नहीं है, मुझे ग्लूटेन से कोई एलर्जी नहीं है, इसलिए मैं ग्लूटेन खाता हूँ, गेहूँ खाता हूँ, गेहूँ में ग्लूटेन होता है। और जो ग्लूटेन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन है, वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बशर्ते आपको सीलिएक डिजीज़ नहीं है या फिर ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है। ठीक है, एक बार आपको टाइम दिखा देते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 2:09। ठीक है, 2:09 आप देख लीजिए, मैं एग्जैक्टली 2 घंटे बाद चेक करूंगा, 2 बजे के आसपास मैं एक बार चेक करूंगा और देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है। 2 hours later। तो दोस्तों लगभग 2 घंटा हो चुका है, एक बार आपको टाइम दिखा देते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:01। ठीक है, 4:01, लगभग 2 घंटा हो चुका है मुझे 2 रोटी खाए हुए, और आज मैंने 2 रोटी गेहूं का खाया है। बहुत लोगों ने ये डिमांड किया था कि गेहूं का रोटी भी खा के बताए शुगर लेवल बढ़ता है नहीं बढ़ता, लेकिन मैंने सिर्फ 2 रोटी नहीं खाया था, 2 रोटी के साथ मैंने पनीर भी लिया था, सब्जी भी लिया था, काला चना भी लिया था और खीरा भी खाया था, तो काफ़ी कुछ खाया। ठीक है, आइए शुगर लेवल चेक करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हमने एक स्ट्रिप लगा लिया, ग्लूकोमीटर तैयार है, और ये मेरा पीपी रीडिंग होगा। ठीक है, लेंस सेट हमने बदल दिया है, फटाफट से एक प्रिक करते हैं, खून आ चुका है और ये काउंटडाउन शुरू। तो आप देखिए 134। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है 134, ये 134 है, दिख रहा है आपको? तो ये 134 आया है अभी, और ये मेरा ब्लड शुगर
रीडिंग है, 2 घंटे बाद 2 रोटी खाने के बाद, ये गेहूं का रोटी मैंने खाया है आज, ठीक है, गेहूं का रोटी है। और काफ़ी लोगों ने ये डिमांड किया था कि गेहूं का रोटी नहीं खाना चाहिए, इसमें ग्लूटेन होता है, इससे आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप गेहूं का रोटी खाना चाहते हैं बिल्कुल खाइए, आपको कोई श्री धनिया मिलेट्स और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं का रोटी भी खाइए, अगर आपको गेहूं का रोटी से कोई एलर्जी नहीं है कंटिन्यू करिए, 40 रुपये किलो में आपको मिल जाता है, बहुत सस्ता है, अफोर्डेबल है, कोई भी इसको खा सकता है। जब तक आपको ग्लूटेन की एलर्जी ना हो, सीलिएक डिजीज़ ना हो, तब तक आपको गेहूं का रोटी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद खाता हूं गेहूं का रोटी, और गेहूं का रोटी भी अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। कैसे खाना है, डायफिट डाइट को फॉलो करके खाना है। डायफिट डाइट क्या है, ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, जिसमें आपको 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। और अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो आप गेहूं का रोटी भी खा सकते हैं, और गेहूं का रोटी खा के भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, 134 ही आएगा, ये देख लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, गेहूं का रोटी बंद कर रहे लोग, और लोगों को लगता है कि गेहूं की रोटी की वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर आप 4 गेहूं का रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन डायफिट डाइट को फॉलो करके अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट करके खाएंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नहीं तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैला रहे हैं और ऐसा लगता है कि गेहूं के रोटी की वजह से सारे प्रॉब्लम हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी गेहूं का रोटी खा सकते हैं। वीडियो को यहां तक देख लिया और लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने का। और चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, सब्सक्राइब करने से आपके जेब से कोई पैसा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो बाकी लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 80% से ज़्यादा लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा ये चैनल ग्रो होगा, हमारा चैनल ग्रो होगा तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, तो आपके सब्सक्राइब से लोगों को फ़ायदा होने वाला है और वो आपको भी दुआ ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।